उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे में पिछले 10 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हमारा वीडियो डेली मॉर्निंग में आता है तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो जरूर देखा करिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? इसका आपका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, मद्रास। दूसरा प्रश्न है, सितेली भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? इसका आपका ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, बंगाली भाषा की है। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? यह प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बार बार एग्जाम में आता रहता है। चलिए इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समृद्धि सूची में आता है। नेक्स्ट है, बीजी वर्गीय समिति 1970 में किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर अगर आप लोगों को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रसार भारती अधिनियम। अगला प्रश्न है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ चुने गए थे? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में चुने गए थे। नेक्स्ट है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न के आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1963 में। अगला प्रश्न है, मिस्र की संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? इसका आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शूरा परिषद। नेक्स्ट है, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट है, बजट सत्र में ग्लोटिन किसे कहा जाता है? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं रहे थे? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर एस वर्मा जी। अगला प्रश्न है, मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी होती है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुनाव आयोग की। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और पीसीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजमन्नार आयोग। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट है, डाइड किस देश की संसद का नाम है? इसका आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जापान की। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।